चारों सीटें एनडीए जीतने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इमामगंज को लेकर अरुण भारती जी ने एक पोस्ट किया है, जीतन राम मांझी को लेकर क्या कहें? जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी को उम्मीदवार बताया गया है, उसके बाद से अरुण भारती एक पोस्ट करते हुए, अभी आप हमारे स्क्रीन पर भी उस पोस्ट को देख सकते हैं कि क्या कुछ पोस्ट में लिखा है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। चार सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर जिस तरीके से राजनीति सरगर्मी काफी ज्यादा तेज है, ऐसे में मैं आपको बता दें तो आज केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पासवान दिल्ली से पटना पहुंचते, और पटना पहुंचने के दौरान जब उनसे सवाल किया जाता है कि चार सीटों पर उपचुनाव को लेकर क्या कुछ कहें उनका, तो क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने, पहले आप उन्हें सुने। चिराग जी, चार सीटों पर उपचुनाव को लेकर क्या बोलेंगे? चारों सीटें एनडीए जीतने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इमामगंज को लेकर अरुण भारती जी ने एक पोस्ट किया है, जीतन राम मांझी को लेकर क्या कहेंगे? कहना क्या, जो बातें वो कह रहे हैं उन्हीं बातों को उन्होंने दोहराया। तो आपने सुना, एक और हम आपको बता दें तो चार सीटों पर उपचुनाव, वहीं पर आपको बता दें तो झारखंड के प्रभारी अरुण भारती ने जीतन राम मांझी को लेकर एक पोस्ट किया है, और आपको याद होगा कि उस पोस्ट में हम आपको बता दें तो कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को ना उत्तराधिकारी बताते हुए पशुपति कुमार पारस को असली उत्तराधिकारी बता दिया। इसके बाद से हम आपको बताएं तो कहीं ना कहीं एलजेपीआर और हम पार्टी के बीच में वो विवाद देखने को मिल रहा था, और इसी बीच हम आपको बता दें तो इमामगंज में जिस तरीके से जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी को उम्मीदवार बताया गया है, उसके बाद से अरुण भारती एक पोस्ट करते हुए, अभी आप हमारे स्क्रीन पर भी उस पोस्ट को देख सकते हैं कि क्या कुछ पोस्ट में लिखा है, उस पोस्ट के बाद हम आपको बता दें तो जब सवाल किया जाता है तो क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने, वो भी हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे, अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देश।